बकरी पालन से 100 गुना बढ़िया ये देसी मुर्गी का, अपना टाइम ज्यादा नहीं लगता, सुबह 1 घंटा शाम को 1 घंटा। मशीन खुद बनाई आपने जी? हाँ जी, जुगाड़ है ये तो। हाँ जी, डी फ्रीज लाकर उसकी बनाई हुई है भाई। वाह। हाँ जी, साल का हमने एस्टिमेट लगाया था 3 से 3.5 लाख रुपए का हमारा जाता है इससे। नमस्कार भाइयों, आज मैं आप पहुंचा हूँ हरियाणा खंडोड़ा रेवाड़ी। यहाँ पे एक भाई हैं प्रदीप भाई, जिन्होंने शुरुआत पहले की थी बकरी फार्म से। 5 साल बकरी फार्म चलाया उन्होंने, उसमें कुछ खास प्रॉफिट ना देख के उन्होंने देसी मुर्गी पालन शुरू किया। फ्री रेंज में एक बहुत बड़े स्केल पे यहाँ पे देसी पोल्ट्री फार्मिंग हो रही है, आप देख पा रहे हो विजुअल्स में, बहुत बड़ा एरिया इनके पास है और पूरे मन से यहाँ पे बर्ड फल फूल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम इनके फार्म का टूर करेंगे, इनके इस एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे और आपको देसी मुर्गी पालन का इनका एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार भैया। नमस्कार। आज आपके फार्म पे आए हैं, फ्री रेंज तरीके से आप यहाँ पे पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं। हाँ जी सर। सर छोटा सा परिचय इसको दीजिए आप। मेरा नाम सर प्रदीप कुमार है, गाँव खंडोड़ा, तहसील बावड़, जिला रेवाड़ी, हरियाणा के अंदर पड़ता है सर ये जी। हाँ भैया, आपने काफी बड़े एरिया में अपना फार्म बना रखा है। हाँ, अच्छे से पक्की फेंसिंग कर रखी है। हाँ जी सर। चिनाई करा रखी है जी सर। और बहुत अच्छी क्वांटिटी में आपके पास फ्री रेंज में बर्ड है, आपके पीछे देख पा रहे हैं दर्शक हमारे। हाँ, तो ये कब सारा चीजें कब शुरू हुआ है? ये जी मेरे को 1.5 साल या 2 साल के आसपास हो गए। 1.5 साल? हाँ जी, 1.5 साल के आसपास। तो कैसे शुरुआत हुई इन चीजों की? ये जी पहले इसमें बकरी फार्म था तो उसमें हमें कोई खास प्रॉफिट नहीं हुआ। अच्छा। तो उसको हमने बंद करने के बाद 1-2 महीने जैसे फ्री रहे तो आपस में जैसे बूझ लेते हैं भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जी जी। तो उसके हिसाब से फिर यार दोस्तों ने बताया कि भाई देसी मुर्गी का फार्म है वो करो आप। अच्छा। तो उसके बाद ये शुरू कर दिया सर हमने जी। तो हम शुरू के अंदर तो 100 पीस लेके आई थी अपने। उसके बाद आज अपने पास ये 500-550 पीस हैं। 550 हो गए। हाँ जी। आपके यहीं से? हाँ जी यहीं से। कौन सी ब्रीड है ये? ये सोनाली और अपनी देसी है जी। देसी? हाँ जी। आपके हरियाणा में टहणी ब्रीड बोला जाता है वो? हाँ, टीणी बोलते हैं इसको। अच्छा अच्छा। हाँ, देसी भाषा में जी अपने यहाँ टीणी बोलते हैं इसको, सोनाली वाले को। अच्छा। हाँ जी सर। तो जी काफी अच्छी शाइन आ रही है बर्ड पे, काफी बढ़िया बर्ड है। हाँ जी। और अच्छा, ये आपने बकरी फार्म बनाया था? हाँ जी। कब बनाया था ये? ये सर 5 साल पहले। 5 साल? हाँ जी 5 साल। बकरियों का घाटा रहा आपको? ना उसमें ना लॉस ना प्रॉफिट वैसा रहा जी हमें। कौन सी ब्रीड थी ये? कुचामणी थी सर। अच्छा। हाँ। यहाँ की देसी ब्रीड जो है वो? हाँ जी जी। क्या तो, है जी यहाँ जैसे ना तो कोई बड़ी पहाड़ कुछ है नहीं, तो हम चारा सब कुछ बाहर से ला के डालते थे तो वो कॉस्टली पड़ता था हमें। अच्छा अच्छा। हाँ जी सर। मतलब आपको नो प्रॉफिट नो लॉस पे क्लोज करा? जी सर जी। पर जी उसे लॉस ही बोलेंगे क्योंकि आप? हाँ लॉस, ये 5 साल का टाइम तो खराब हो गया सर उसमें जी। अच्छा, अब ये काम शुरू किया आपने दोस्तों कहने पे अपने, है ना? हाँ जी। तो ये कैसे चल रहा है अब? बढ़िया काम है जी ये। बढ़िया है? हाँ जी बहुत बढ़िया चल रहा है सर। कहाँ से लाए थे बर्ड ये? आपस में जैसे एक दूसरे फार्म वाले हैं ऐसे ही एक दूसरे से खरीद लेते हैं सर। अच्छा। तो हमने उनसे कहा कि भाई हमें भी शुरू करना है तो हमें 100 पीस चाहिए, तो 100 पीस डाले सर हमने ये। 100 पीस? हाँ जी सर। अच्छा, 100 से 500 यही हुए हैं ना? हाँ, 500-550 है, बाकी मुर्गियाँ तो हम रखते हैं, मुर्गा सेल करते हैं। अच्छा। हाँ जी सर। तो जी कितना रुपये लगे थे बनाने में इस फार्म को? ये जी 4 दीवार तो इसमें पहले थी। अच्छा अच्छा। और 1 लाख रुपए खर्चा आया था जिन चादरों का, आज से 6 साल पहले। अच्छा। हाँ जी सर। तो मतलब ज़्यादा पैसे नहीं लगे ये? ना जी, आपका था ही पहले से ही? ये छोटे रेंज में ही शुरू हो जाता है सर, ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए इसमें। अच्छा। हाँ जी सर। मतलब बकरी फार्म बंद हुआ तो मुर्गी पालन? हाँ जी। थोड़ा सा लाइट कम है यहाँ पे, थोड़ा सा आपको दिखाए थे दूर दूर से। देखो ये बकरी फार्म वाले सेक्शन बना रखे हैं इन्होंने, इसी में पल रही है, इसमें छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चे ये रहे इधर, ये अपने मशीन से निकालते हैं। अच्छा, मशीन से निकालते हो? हाँ जी। मशीन कहाँ है? अंदर रखी है वहाँ उसको। अच्छा, चलिए थोड़ा मशीन देखेंगे भैया की। और काफी अच्छा माहौल यहाँ दे रखा है इन्होंने। तो जी अभी जैसे 1.5 साल हुआ है? हाँ जी। 1.5 साल में कैसा चल रहा है आपका? बहुत बढ़िया है जी। प्रॉफिट कुछ आया या फिर? हाँ जी, साल का हमने एस्टिमेट लगाया था 3 से 3.5 लाख रुपए का हमारा आ जाता है इससे। 3 लाख रुपए? 3.5 लाख? हाँ जी। प्रॉफिट निकाला? प्रॉफिट जो पे और खर्चा निकालने के बाद फर्स्ट ईयर में ही? हाँ जी भाई। वाह, मतलब बकरी पालन में आपको कुछ नहीं मिला? ना जी ना, बकरी पालन से तो 100 गुना बढ़िया है ये। अच्छा। हाँ जी, बकरी पालन से 100 गुना बढ़िया है देसी मुर्गी का जी। फिर एक तो इसमें अपना टाइम ज्यादा नहीं लगता, सुबह 1 घंटा शाम को 1 घंटा। दाना डाल दिया, बर्तन है इनको पाने वाले, इनको साफ कर देते हैं, पानी डाल देते हैं, फिर फ्री हो जाएंगे सारे। यहाँ पे उन्होंने खरगोश भी रखे हैं शौक के लिए। हाँ जी। और ये साथ रहते हैं, इनके साथ भाईचारा इनका बढ़िया। हाँ जी जी। फिर जैसे अपने खेती किसानी का काम है वो करते हैं, तो इनको जैसे अपने दाना डाल दिया पानी डाल दिया उसके बाद हम फ्री हैं, कहीं भी रहो आप।
अच्छा हाँ जी, और बकरियों के अंदर क्या था, कभी दूध निकालना है कभी चारा डालना है, तो टाइम के साथ है जी। मैं तो जानता हूँ इस बारे में। हाँ जी, और ये आपका मतलब गांव के बीचों बीच प्लॉट था। हाँ जी, उसमें भाई ने शुरू किया और देखो कितनी अच्छी रौनक है, मन भी बहुत लगता होगा पशुओं के बीच में बैठ के। हाँ जी, हमारा तो लग रहा है। अच्छा, ये क्या, ये रूम है आपका, इसमें मशीन है ना? हाँ जी। अच्छा, तो आप किस मॉडल पे काम करते हो, मतलब अंडा बेचते हो, मुर्गा बेचते हो? सर, जो भी, जैसे गर्मी के अंदर तो अंडा बिकता नहीं है, उससे हम बच्चे निकालेंगे। अच्छा, और बाकी टाइम सर्दी सर्दी अंडा बिकता है वो बेचते हैं। अच्छा, हाँ जी। और आ जाओ, आपको मशीन दिखाते हैं। तो मतलब आपके यहाँ डिमांड अच्छी खासी है इसका, मतलब? हाँ जी, अंडों के अच्छे बिक रहा है। हाँ जी, हर माल बिकता है जी। यहाँ यहाँ पे मशीन लगा रखी है। हाँ जी, देख। अच्छा, देखो भाई, यहाँ पे बच्चे निकल भी रहे हैं। यहाँ मशीन खुद बनाई आपने जी? हाँ जी, जुगाड़ है ये तो। हाँ जी, डी फ्रिज लाकर उसकी बनाई हुई है भाई। वाह। और पहले हम लेके आए थे वो इंक्यूबेटर वाली, 125 अंडों वाली, वो कामयाब नहीं थी सर। अच्छा, ये कामयाब नहीं है। हाँ, इसलिए अपने आप ही ये डी फ्रिज लाकर इसके अंदर बनाई, इसको देख के हमने। अच्छा, खुद ही बना लिया? हाँ जी, पहले हम ये टेप रीडर रिपेयर का काम करता था मैं। अच्छा, 98 से लेके 2004 तक। अच्छा, तो मेरे को सब काम आता है, ये कोई दिक्कत नहीं मेरे को। अच्छा, ये जी काफी बढ़िया लग रही है ये। और कितना रेशो निकल रहा है अभी? ये 70% या 60% के आसपास निकलता है सर। फिर भी बहुत अच्छा है, बच्चा निकला भी हुआ है, हैचर मतलब हैच शुरू हो गया है आपका? हाँ जी, आज शुरू हुआ है, तो ये रात को तकरीबन निकल जाएगा, सारे निकल जाएंगे। हाँ जी सर। जी जी जी, नहीं जी बहुत बढ़िया, दिमाग लगाया है। कितना खर्चा आया था बनाने में? और इसमें सर 2,500 रुपये का खर्चा आया था। 2,500 रुपये? हाँ जी। एक तो इसमें ये डी फ्रिज की बॉडी है, और एक 40 वाट का बल्ब है, और दो अपने जो ये इन्वर्टर के फैन होते हैं ना 12 वोल्ट वाले। अच्छा, वो अच्छा। हैं सर, बस बस, और कुछ नहीं है इसमें। तो लोग बड़ी महंगी महंगी मशीनें लेते हैं सर। वो हमने भी महंगी खरीदी थी 12,500 रुपये की, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। नहीं आया जी सर। भाई देखो, नई जानकारी मिल रही है, आप अपने घर पे बना सकते हो, थोड़ा सा दिमाग चाहिए, ठीक है? और देखो एरिया देखो, आप कितना बढ़िया एरिया दे रखा है, मतलब यहाँ तो आराम से 1,000 बर्ड भी पल सकते। हाँ जी, आराम से 1,000 खूब। 1,000 कब तक करोगे? अगले साल कर देंगे। अगले साल तक 1,000 बर्ड? हाँ जी, अगले साल 1,000 हो जाएंगे। अच्छा, तो हम चक्कर अगले साल ही मारेंगे आपके पास। अच्छा, ये बताओ, जैसे आपने बताया 3.5 लाख रुपये आपने इससे कमाए, ठीक है? तो वो चूजे ही बेच के कमाए आपने? ना जी, अंडों से। अंडों से? हाँ जी, अंडों, और फिर जैसे मुर्गे थे उनसे, मुर्गा भी बेचते हैं और अंडा, चिकन पर्पस के लिए। हाँ जी जी। और जैसे मल्टीप्लिकेशन आप अपने ही भाई यहाँ से कर रहे हो, है ना? हाँ, अपनी ही ब्रीड चल रही है। हाँ जी, आपने इतना सब सिस्टम कर रखा है, ठीक है जी। किसी भाई के पास ऐसी ही कोई जगह पड़ी है अपने पूर्वजों की, जैसे हमेशा होती गाँव? हाँ जी, ये तो जगह मिल जाती है हर जगह। और वो टाइम है, क्योंकि आपने बताया इसमें टाइम कम देना होता है जी, है ना? किसान आदमी के पास टाइम होता है इतना कम होता है ना? तो क्या सलाह दोगे उन्हें? काम को यही सलाह करना चाहिए जी, देखो उसके साथ ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाता है हमारा, उसके अंदर जो अपनी खेती किसानी का काम वो तो हम कर ही रहे हैं, उसके साथ एक्स्ट्रा ये प्रॉफिट अपना साल में कुछ खर्चा निकल आएगा जी। अगर किसी भाई के पास ज़्यादा जगह ना है और ज़्यादा खर्चा लगा के शुरू ना कर सके, तो वो अपना छोटा स्केल पे शुरू कर देगा, और उसको बाद में अपने बच्चे निकलवा कर बड़ा कर लेगा। अच्छा जी। और जैसे आपने अंडे बेचने में मतलब 3.5 लाख रुपए कमाए, अंडर मुर्गा बेचा? हाँ जी। इसकी मार्केटिंग कैसे की, प्रचार कैसे करा? ये क्या है जी, मैं पहले टेंट वगैरह का काम करता था, फार्म वगैरह तो सब जानते हैं आसपास के गांवों में मेरे को, तो जैसे अपने बैठने वाले यार दोस्त हैं उनको मैंने बता दिया जी मैंने ऐसे ऐसे फार्म शुरू किया है, किसी भाई को अंडे वगैरह चाहिए तो यहाँ से भेज देना और मेरे पास आ जाएंगे जी। तो उसी से ही माउथ से ही हुआ जी ये सब, ना कोई बैनर ना कोई। तो मतलब आपको लिंक थे? हाँ जी, डिमांड थी तो उसका फायदा उठा, लिंक अपने पास चारों तरफ से थे। तो दोस्तों, मेरे भाइयों, प्रदीप भाई ने इतनी जानकारी दी, अपने फ्री रेंज पोल्ट्री फार्म का टूर कराया और एक जमीनी सच्चाई बताई हमें कि देखो बकरी पालन में नहीं निकाल पाए प्रॉफिट, ठीक है, नहीं कर पाए मार्केटिंग, नहीं संभाल पाए उस चीज़ को, तो उन्होंने पोल्ट्री फार्म शुरू किया जिससे अच्छा रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और ये बढ़ाने पर ही हैं। हम इनके पास फिर आएंगे, क्योंकि हमारी आदत है बार बार किसान की वो देखने की, भाई क्या चल रहा है, आगे क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, उससे नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, हम इनके पास आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ये फार्म टूर पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और अगर आपने इसे पेज पर देख रहे हो इसको, हमारे पेज को फॉलो भी कर लेना। तो जल्दी मिलेंगे वीडियो से, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। नमस्कार।